डियर स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हम जेनेटिक कंट्रोल रिप्रोडक्शन और सिम्बायोटिक सिलट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे सिलियट्स सिलियड्स पहले आपने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा उसमें आपने देखा कि पैरामीशियम में या बाकी सिलट्स में भी दो तरह के न्यूक्लिया होंगे एक बड़ा न्यूक्लियस है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहती और दूसरा जो है वो है स्मॉलर न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूक्लियाई अब मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस आम तौर पर वेजिटेटिव होगा और जो स्मॉलर न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्टिव है वेजिटेटिव का मतलब है कि ये नॉन रिप्रोडक्टिव है अब जो स्मॉलर न्यूक्लियस है जो कि रिप्रोडक्टिव है ये रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा अब रिप्रोडक्शन सिलिएट्स के अंदर सिलियट दो तरह की होगी एक वो रिप्रोडक्शन होगी जिसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कंजुगेशन और दूसरी जो है वो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिस इज बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड बडिंग अब बडिंग किस तरह से होगी बडिंग इस तरह से होगी कि एनिमल बॉडी के ऊपर कोई भी आउट ग्रोथ अपीयर होगी उस आउट ग्रोथ को हम कहेंगे बर्ड अब जो बर्ड आउट ग्रोथ होगी एनिमल बॉडी पे वहिस्ता आहिस्त डिटैच हो जाएगी और उससे एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा अब दूसरी तरह की सिलिएड्स जो है रिप्रोडक्शन उसको हम कहेंगे कंजुगेशन कंजुगेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो पैरामीशियम परमी, जो हैं दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एंड विल बिहेव लाइक एन ऑर्गेनिज्म शोइंग मीटिंग टू ईच अदर अब इस स्टेज पे उन पैरामीशियम को हम कहेंगे कॉन्जुगेंट्स यहाँ पे आप देखें अभी जो हमने बात की पैरामीशियम की माइक्रोन्यूक्लियस स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस लार्जर यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुई माइक्रोन्यूक्लियस जो है इसका साइज बड़ा हो गया माइटोटिक डिवीजन हो गई माइक्रोन्यूक्लियस की अब यहाँ पे जो ओरल ग्रूफ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा अब जब ये डिसअपियर होगा तो उससे अगली स्टेज में आप देखें दोनों न्यूक्लियस जो हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस इनका साइज जो है वो इनक्रीज हो गया है और दोनों जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पे जो ओरल ग्रुप डिसअपियर हुआ था वहाँ पे सेंटर में आप देखें पेलिकल जो है वो उसकी कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई और दो नए ओरल ग्रुप की अपेयरेंस स्टार्ट हो गई नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ सेंटर पे जो कंस्ट्रिक्शन है वो और डीप हो जाएगी उसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि जो नए न्यूली फॉर्म कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हैं वो दोनों साइड्स पे शिफ्ट हो जाएंगे अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर ये दोनों यहाँ से कंस्ट्रिक्शन होगी कंस्ट्रिक्शन होने के बाद दो इंडिपेंडेंट पैरामीशियम बन जाएंगे जिनको अब हम कहेंगे न्यू डाटर पैरामीशिया तो दिस इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन इन पैरामीशियम और ये सबसे सिंपल मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है जिसको हमने पैरामीशियम की एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया इस पैरामीशियम के अलावा सिलियट्स की और भी डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैं लेकिन उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे अब इनिशली जो कॉन्टेक्ट्स है एनिमल्स का या जो आपको मैंने बताया टू पैरामीशिया दे क्लोज दे कम क्लोज टू इच अदर एंड देन दे बिकम कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर तो उसमें स्टिकी सिक्रीशंस जो हैं पहली कल से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दैम क्लोज़र टू ईच अदर और सिली के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट होंगे डिफ्यूज़ हो जाएगी और डिफ्यूज़ होने के बाद फिर सेवरल आवर्स तक दे विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन इज़ अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा एक पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म दूसरे में चला जाएगा और दूसरे का साइटोप्लाज्म पहले वाले में चला जाएगा फिर इस प्रोसेस चूँकि दिस इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो है मियोसिस हमेशा लिंक्ड होती है जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का उसमें मियोसिस इन्वॉल्व होगी और जो न्यूक्लियाय बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस उनको हम कहेंगे हेप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लिया इस डायग्राम में आप देखें पैरामीशिया ये पैरामीशिया की एक कॉलोनी है इसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरामीशियम जो हैं दे आर लिविंग अब यहाँ पे दो पैरामीशियम जो हैं जिनको हमने डिफरेंट कलर से शो किया नाउ दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड नाउ दे आर नोन एज कॉन्जुगेंट्स अब कंजुगेंट्स में एक माइक्रो न्यूक्लियस है और टू माइक्रो हैं अब चूंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा माइक्रो न्यूक्लियाई में अब उसके बाद जो है वन न्यूक्लियस और एट माइक्रो न्यूक्लियस हर डॉटर पैरामीशियम के अंदर मौजूद होंगे अब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होगी सेवन माइक्रो माइक्रोन्यूक्लियल की और माइक्रो न्यूक्लियस की हर एक के अंदर फिर वन रिमेनिंग रिमेनिंगलाइड माइक्रो न्यूक्लियस हर एक के अंदर मौजूद होगा माइटोटिक डिवीजन होगी माइटोटिक डिवीजन से दो हेपलाइट माइक्रोन्यूक्लिया हर एक डॉटर पैरामीशियम के अंदर मौजूद होंगे यहाँ पे अब दोनों की सरफेसेस के दरमियान एक्सचेंज होगा फ्यूजन होगा ये वाला मटेरियल इधर चला जाएगा और ये वाला मटेरियल इधर चला जाएगा आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह से एग और स्पर्म की फ्यूजन होती है इसमें भी ऐसे ही है कि वन इज़ एक्टिंग लाइक मेल और अनदर इज एक्टिंग लाइक फीमेल एक्सचेंज से फ्यूजन से यहाँ पे जो अब स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो है वन माइक्रो माइक्रोन्यूक्लियस इन ईच डॉटर पैरामीशियम टू यहाँ पे टू माइटोटिक डिवीजन होंगी टू माइटोटिक डिवीजन के बाद फोर डिप्लाइड माइक्रो न्यूक्लियाई हर डॉटर पैरामीशियम में मौजूद होंगे अब फ्यूजन होगी टू माइक्रो न्यूक्लियाई की इन टू माइक्रो न्यूक्लियस रिजल्ट क्या है यहाँ पे हर डॉटर पैरामीशियम के अंदर वन माइक्रो न्यूक्लियस और टू माइक्रोन्यूक्लिया मौजूद हैं फिर फर्दर रेप्लीकेशनस होंगी माइक्रोन्यूक्लियस की डीएनए एन है रेप्लीकेशन में और नेट रिजल्ट्स जो है क्या होगा दोनों डॉटर पैरामीशियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे इनको अब हम कहेंगे कॉन्जुगेट्स अब एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमें ये दो एक्स कॉन्जुगेट्स मिले हैं इनके अंदर सिमिलर वही स्ट्रक्चर मौजूद होंगे जो कि अडल्ट पैरामीशियम के अंदर मौजूद थे बिफोर द टाइम दे वर बिकमिंग क्लोज टू ईच अदर तो दिस इज द एग्ज़ाम्पल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेशन इन सिलियट्स एंड पैरामीशियम इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इसके अलावा हमने अभी बात की न्यूक्लियाई की हैप्लाइड न्यूक्लियस जो कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा कि इसकी डिसइंटिग्रेशन हो जाएगी डिवाइड हो जाएंगे लेकिन इसमें पूरे प्रोसेस में आपने देखा कि जो माइक्रो न्यूक्लियस था जो कि वेजिटेटिव है दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्ले एनी रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो न्यूक्लियस जो है ब्रेक डाउन हो गया डिसइंटीग्रेट हो गया और सेपरेशन के बाद जो एक्स कॉन्जोगेंट्स थे उनके अंदर ये दोबारा से अपीयर हो गया इसकी अनदर सिलिएट्स जो हैं उनके अंदर भी हम इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर सिलिएट्स जैसा कि हमें मालूम है दे आर फ्री लिविंग दे लिव इन वाटर कुछ ऐसे भी हैं सिलिएट्स जो कि फ्री लिविंग नहीं है वो म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर भी शो कर देते हैं वो एज़ अ कमेंसलिस्टिक भी एनिमल्स के अंदर रह सकते हैं और कुछ जो हैं सिलियट्स वो पैरासिटिक भी हो सकते हैं बैलेंटेडियम. बैलेंटेडियम जो है ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास पैरासिटिक सिल्ड्स की और जो पैरामीशियम था दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग सिलट्स अब बैलेंटेडियम ह्यूमन बींग्स पे या दूसरे मैमल्स की इंटस्टाइन के अंदर एज अ पैरासाइट रहता है बाज़ात हमें दूसरे सिलइट्स जिनके अंदर पैथोजेनिसिटी अपीयर होती है उसको हम एंटमिबा हिस्टोलिटी का कह देते हैं एंटमिबा भी इंटस्टाइन के अंदर लेगा और ये नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइसेंट्री दिस इज एन डायग्राम ऑफ बैलेंटीडियम इसकी आप देखें रिजेंबलेंस इसके अंदर भी स्ट्रक्चर वही होंगे जो कि पैरामीशियम के अंदर है लेकिन प्रोसेस भी इसके अंदर कॉन्जुगेशन का सिमिलर है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल माइक्रोन्यूक्लियस सीलिया माइक्रोन्यूक्लियस लेकिन ये पैरामीशियम से थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है